अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब बरामद की है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम निराला ने बताया कि थाने पर मुख्य रूप से सूचना मिली कि एक व्यक्ति सक्का पाड़ी देहली दरवाजे के पास खड़ा होकर अवैध रूप से देशी शराब बेच रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस जाता मौके के लिए रवाना हुआ, जहां शराब बेचने वाला युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसकी मौके पर पकड़ लिया, जिस पर आरोपी ने अपना रमेश निवासी गंगा मंदिर के पास का रहने वाला बताया, जिस पर आरोपी रमेश को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से शराब बरामद की गई। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह रात को 8 बजे के बाद अवैध रूप से शराब बेचने का कार्य करता है। कल दौरान गश्त सायंकालीन गश्त में स्पेशल एक्ट की और लोकल एक्ट की कार्रवाई करने दौरान सूचना मिली थी दरवाजे के बाहर के एक चक्का पाड़ी गंगा मंदिर के पास एक दारू शराब बेच रहा है। उस सूचना पर जाने के बाद हेड कांस्टेबल मन शशिकांत द्वारा एक आदमी को बेचते हुए पकड़ा, उसे पूछताछ करी, लाइसेंस के बारे में पूछा, अवैध शराब को उसे नहीं होना बताया, चेक किया तो देसी मदरा शराब मिली, उसको हरी जब्त बनाकर शराब की थाना लेकर आए, पूछताछ नोट बनाया और उसको बंद वाला किया, माल का नाम जमा करी शराब। आकर रहने वाला क्या नाम है? इसका नाम है रमेश, पुत्र प्रभुदयाल, उम्र 33 साल, दिल दरवाजे बार गंगा मंदिर के पास रहने वाला है। शराब बेचते पकड़ा है? शराब बेच पकड़ा है। कितने पगों पर आए? 40 पगों पर आमद करी शराब के और माल का नाम जमा करी।